हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेओ जीरो बिन। तो गाइस, आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि गाइस अगर आपको जो है फ्री फायर गेम में किसी भी चीज़ में जो है कोई दिक्कत आती है तो गाइस आप जो है गरीना फ्री फायर से जो है कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको जो है अपनी कंप्लेंट जो है कैसे बता सकते हो कि आपको ये जो चीज़ें फेस करनी को प्रॉब्लम जो है फेस हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैं आपको आज इस वीडियो में जो है ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी लोगों को जो है हर बार जो है कुछ ना कोई दिक्कत आती है गेम में, भले ही वो डायमंड से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर उनके अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर कोई इवेंट से रिलेटेड हो। तो जितनी भी प्रॉब्लम है गाइस उन सब के लिए गाइस एक ही सॉल्यूशन है गाइस, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो अक्सर जो है गेम में जिनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है गरीना से जो है कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कैसे उनसे जो है अपनी कंप्लेंट को है उनको बता सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको जो गरीना की तरफ से जो उसके ऊपर रिप्लाई होगा वो जरूर जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो पूरा प्रोसीजर जो है मैं गाइस आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले तो आपको जो है क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। करने के बाद गाइस आपको सर्च करना है गूगल पे हमारा जो है फ्री फायर कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आई है गाइस गरीना की ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, यहाँ पर आपको जो है फेसबुक से एक बार लॉगिन कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं इसे लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन आपको जो कैसे करने को आएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन इन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फेसबुक से मैं कर लूँगा, अगर आपको कोई और अकाउंट से जो है गेम लिंक है तो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे गाइज आप जो है इसमें अपने लॉगिन कर लेंगे आईडी, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है, अपनी नेम पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर नाम लिखा रहा है केओजी रोबिन, क्योंकि मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। ठीक है, मेरा अकाउंट नेम लिखा रहा है इसमें। सबमिट अ रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो है रिक्वेस्ट को यहाँ सबमिट करने के लिए गाइस आपको जो पहले अपना रीजन जो है सिलेक्ट करना होगा। तो मैं अपना जो है इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको अपनी फ्री फायर की जो भी यूआईडी होती है गाइस नंबर वाली डिजिट्स की, वो यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और इसके बाद गाइस इन गेम नेम में आपको जो है जो भी आपका जो है गेम में नेम है गाइस वो डाल देना है। बस पढ़ने लायक होगा इस, डिज़ाइन वगैरह ज़रूरी नहीं है डालना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आए बंदे सामने वाले को। इसके बाद गाइस आपका जो इशू है गाइस वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखे हैं, मैं आपको एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ। तो गाइस पहला जो है इसमें पेमेंट इशू है। तो गाइस अगर आपको जो है कोई पेमेंट, यानी अगर आप डायमंड्स वगैरह परचेस करते हो, तो गाइस अगर आपको कहीं ना कहीं पेमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट जो है सक्सेसफुल होगी और आपको डायमंड नहीं मिले या फिर सक्सेसफुल नहीं हो रही किसी कारण से, तो गाइस जो भी पेमेंट से रिलेटेड इशूज़ है गाइस वहाँ पे आपको पेमेंट इशू जो है सिलेक्ट करके जो अपनी रिक्वेस्ट को जो है सबमिट करना है। ठीक है, तो गाइस सेकंड ऑप्शन है गेम कंसर्न, जिसमें गाइस अगर आपको जो हो रहा है कोई गेम में दिक्कत आ रही है तो गाइस आपको जो है वहाँ पर गेम कंसर्न का ऑप्शन जो है चूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा गाइस तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव डायमंड्स, यानी कि गाइस अक्सर जो है कुछ प्लेयर्स जो है कुछ बक्स वगैरह का यूज़ करके जो है डायमंड्स को जो है किसी तरह से ले लेते हैं या फिर कहते हैं फेक तरीके से जो है डायमंड्स जो है ले लेते हैं। उसके बाद गाइस गरीना को जैसे उनके बारे में पता चलता है तो गाइस वो जो है उनके अकाउंट में जो है नेगेटिव बैलेंस का जो अमाउंट शो करती है। ठीक है, तो उस मान लीजिए गाइस वो अगर गलती से होता है या फिर आपके किसी कारण जो बग के यूज़ करने के कारण जो है ऐसा कुछ होता है तो गाइस नेगेटिव बैलेंस का भी एक इशू है, जिससे गाइस आप जो है अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते जब तक आप जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट के डायमंड को जो टॉपअप करके जो है सुलझा नहीं देते, यानी वापस नहीं कर देते। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव बैलेंस के इशू अगर आपको कोई हो रहा है या गलती से हुआ है जानबूझ के, वो अलग बात है, तो गाइस आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस तीसरा ऑप्शन हमारा आइटम बग्स, यानी कि कोई बग के कारण जो आपको कोई पर्टिकुलर आइटम जो है क्लेम नहीं हुआ या फिर क्लेम हो गया हो, तो इस सिचुएशन में गाइस आपको जो है आइटम बग्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है कि किसी पर्टिकुलर आइटम में आपको जो है कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसके बाद गाइस लास्ट हमारा ऑप्शन आता है हैकर रिपोर्ट, जो कि गाइस आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, किसी भी हैकर के बारे में अगर आपको रिपोर्ट करनी हो तो गाइस आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो गाइस फिलहाल जो है मैं गेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ इनको, तो गाइस मैं गेम के कंसर्न वाला जो ऑप्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके बाद गाइस आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो है आ रही है। ठीक है, तो गाइस इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अब्यूज़ रिपोर्ट, यानी कि वर्बल अब्यूज़, यानी कि अगर कोई आपको जो है मुँह से कुछ ज़्यादा गालियाँ देता है, ठीक है, तो गाइस आप उसके खिलाफ जो है यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस उसकी आईडी पे जो है चेकिंग होगी। ठीक है, चेकिंग में गाइस अगर पता चलता है कि उस वो जो है गाइस बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में जो है अब्यूसिव रिपोर्ट्स आती हैं, तो गाइस उस पर्टिकुलर आईडी पे जो है एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद गाइस हमारा आता है सेकंड ऑप्शन इवेंट इशू, जिसमें गाइस ब्रैकेट में लिखा मिसिंग और अनेबल टू क्लेम रिवॉर्ड, यानी कि गाइस किसी पर्टिकुलर इवेंट पे जो है आपको जो है वो इवेंट जो आपको शो नहीं हो रहा है या तो या फिर उसके अंदर जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं उस इवेंट के, तब उसमें जो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस इवेंट इशू वाले में जो है अनेबल टू एक्सेस द इवेंट पेज, यानी कि गाइस ये इवेंट इशू है गाइस दूसरा वाला जो है इसमें गाइस अगर आपको कोई वेब इवेंट जो है दिखता ही नहीं है और ठीक है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी कारण या वो खुल नहीं रहा, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा इवेंट, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आता है तीसरा टेक्निकल इशू, तो टेक्निकल इशू गाइस ये ऑप्शन गाइस आपको तब सिलेक्ट करना है जब आपका जो है किसी डिवाइस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हो इस गेम में चलने में या फिर
इवेंट के चलने में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके डिवाइस से रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो, तब जो है आपको ये वाला टेक्निकल इशू ऑप्शन जो है चूज करना है। तो गाइज मैं जो है अभी फिलहाल जो बुया गो इवेंट की जो रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो गाइज वहाँ पे मैं इवेंट इशू वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद ही गाइज मुझसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ इवेंट, यानी किस टाइप का जो है इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देखिए गाइस, यहाँ पे आपको बताने कि आपको किस पर्टिकुलर इवेंट में जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि गाइस डेली टास्क वाले जो इवेंट होते हैं, अगर वो उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको डेली टास्क का ऑप्शन यूज़ करना है, जिसमें गाइस आपने कोई टास्क कंप्लीट किया या फिर अपने टोकन वगैरह जो है रिडीम करने में दिक्कत आ रही हो। इसके बाद गाइस हमारा सेकंड ऑप्शन है गाचा वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें गाइस आपको डायमंड रॉयल या गोल्ड रॉयल इन सब में कोई अगर कोई स्पिन करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर कोई रिवॉर्ड आपको मिला वो क्लेम नहीं हुआ हो, या फिर जो भी दिक्कत गाइस आपको इन सब चीज़ों में आ रही हो, गोल्ड रॉयल कैरेक्टर रॉयल जितने भी रॉयल जो आते हैं गाइस उसमें अगर दिक्कत आ रही हो, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमारा था आइटम सेल, जिसमें गाइस डिस्काउंट इन स्टोर लिखा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम पर जो है डिस्काउंट मिला हो, या फिर डिस्काउंट कूपन आप लगा रहे हो वो लग नहीं रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसे डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो गाइस वहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस हमारा आता है थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, जिसमें है लॉगिन रिवॉर्ड्स। तो गाइस लॉगिन रिवॉर्ड्स तो आपको पता ही होगा जो लॉगिन करने पे मिलते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं या वो शो ही ना हो रहा, तो उस सिचुएशन में आपको लॉगिन रिवॉर्ड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस हमारा आता है वेब इवेंट, जिसमें गाइस स्पेशल इवेंट जो होते हैं गाइस वेब इवेंट के थ्रू दिए जाते हैं, जो ब्राउज़र से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उस वाले इवेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आपको वेब इवेंट वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस लास्ट ऑप्शन जो है हमारा अदर्स वाला, जिसमें गाइस अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो इनमें से किसी भी इवेंट में ना हो, इसके अलावा किसी पर्टिकुलर इवेंट में हो या कोई नया इवेंट इंट्रोड्यूस करेगा ना उसमें हो, तो आपको अदर्स का ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है। तो गाइस मैंने जो है इसमें डेली टास्क वाला ऑप्शन चूज़ किया था, क्योंकि गाइस डेली टास्क वाला जो है इवेंट में प्रॉब्लम आ रही थी इस टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा गाइस नीचे जो है ये पूछेगा आपसे उस पर्टिकुलर इवेंट का नाम क्या था, ठीक है। तो गाइस जिस इवेंट में आपको दिक्कत है उसका नाम यहाँ पे लिखने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे टिक कर देना स्क्रीनशॉट कि आप जो है उस पर्टिकुलर जो अभी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका स्क्रीनशॉट जो है आप देंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है गाइस आपको अपने शब्दों में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, उन्हें बतानी है, ठीक है। तो भाई आप मैं गाइस आपको रिकमेंड करूँगा इंग्लिश में लिखे, ताकि जो है वो ईजिली समझ पाए, सामने वाला बंदा भी जो है उनको समझ पाए। तो गाइज़ इंग्लिश में जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे लिखे, ठीक है। इसके बाद गाइज़ आपको जो भी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है इस पर टिक कर देना है। इसके बाद गाइज़ आपको जो है वो स्क्रीनशॉट जो मैंने कहा था, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट या फिर कोई क्लिप अगर आप बना सके उसकी 10 सेकंड की, तो वो क्लिप आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देनी है, ठीक है, प्रूफ के लिए, ठीक है। ये चीज़ गाइज़ इसलिए होती है गाइज़, मान लीजिए आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाया, तो गाइज़ वो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो देख के वो समझ जाएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद गाइज़ आपको जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते गाइज आपकी जो है रिपोर्ट जो है सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी फ्री फायर के अंदर, ठीक है। तो फ्री फायर की कस्टमर सर्विस तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइज 24 आवर से पहले पहले आपको जो है इसका रिप्लाई मिल जाएगा, जो भी गाइज प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जो गरीना आपको देना चाहिए वो आपको बता देगी जो भी। तो गाइज देख सकते हैं मेरे को जो है 24 आवर से पहले क्या मुझे थोड़ी देर बाद ही रिप्लाई मिल गया था, लेकिन मैंने जो है नेक्स्ट डे इसको ओपन करके देखा, यहाँ पे आपको जो है माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको जो है आपने जो रिक्वेस्ट की थी उस पर क्लिक करना, देखिए गाइज वहाँ पे सॉल्व लिखा आ रहा है, यानी कि उन्होंने वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो है रिप्लाई गाइज यहीं पे मिलेगा, आपको इसी वेबसाइट पे आकर जो अपना अकाउंट को यहाँ पे साइन इन करके अपनी जो भी रिप्लाई आएगा उसको चेक करना है। इसी के थ्रू जो है इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गरीना से, आपको कोई मेल वगैरह नहीं आएगा, मेल पर कभी भी ये लोग बात नहीं करते, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज यही बताना था इस वीडियो में, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये पता चल गया होगा गाइस, अगर आपको कोई फ्री फायर में जो गेम में अगर कोई दिक्कत आती है, भले वो किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत हो, तो उसकी रिपोर्ट आपको जो कैसे करनी है गरीना से, उसके बारे में कैसे बात करनी है, तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा भी गाइस अगर आपको कुछ जानना हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो को जो है लाइक करते हुए जरूर जाना होगा, इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, ओके बाय।